फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि इस तरह का डिजाइन या इस तरह का डिजाइन जो वॉल पैनल होता है वो कैसे बनाते हैं। तो इसमें खाली डिजाइन बनाने का तरीका सेम है और खाली क्रॉस सेक्शन थोड़ा अलग यूज करके इसको बनाए जाते हैं। तो मैं एक सैंपल बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आर्टकैम को ओपन करेंगे। फिर उस इमेज को डायरेक्ट इसके ऊपर छोड़ देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर इमेज साइज सिलेक्शन रख के इंची में यूनिट को सिलेक्शन रख के सपोज विड्थ हम रखेंगे 24, विथ एस्पेक्ट रेशियो हाइट इधर 33.35 ऐसा आ जाएगा। फिर हम यूनिट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके ओके कर देंगे। फिर इसको डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन करेंगे और विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली करके दोनों व्यू को देख लेंगे। अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या इसका जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन को हम 2000 से थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्योंकि देखिए इधर रिजोल्यूशन बहुत कम है। तो मैं इस रिजोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट 2000 रख के अप्लाई कर देता हूँ। फिर इधर ये लाइन ड्रॉ करके हमें इस काम को करना है, तो रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। ये एक्चुअली आपका मशीन के जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो अगर हेवी होगा तो आप हाई रिजोल्यूशन पे काम कर पाएंगे, वो आपका मशीन के ऊपर डिपेंडेबल होगा। सबसे पहले मशीन में एक नाम देके इसको सेव कर लेना है। तो मैं इसको वॉल पैनल नाम से सेव कर लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस तरह का ड्रॉइंग इधर है उस तरह का ड्रॉइंग हमें करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा लेके, मतलब पेज से थोड़ा ज़्यादा लेके, थोड़ा बाहर लेके हमें ड्राइंग करना है। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करके हम एस प्रेस करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। देखिए, और जैसा हमारा लाइन का ड्राइंग है उस तरह का शेप में इसको रेडी करना है। तो ड्राइंग थोड़ा अच्छा करके करना पड़ेगा। इसके साइड में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको नोट एडिटर सिलेक्ट करके हम ऐसे सिलेक्ट करके एस प्रेस कर देंगे। ये जगह पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो ये जगह पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर से ये पॉलीलाइन टूल सिलेक्ट करके फिर से ड्राइंग करना है। ड्राइंग थोड़ा अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लाइन है सब एक जैसा नहीं है। फिर एस प्रेस करके हम इसको स्मूथ कर लेंगे। मैं एक साथ पूरा लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में स्मूथ कर देंगे। अच्छा, इसके बाहर में भी ऐसे एक ड्राइंग करके रखना है। अब इस तरह से इसको सिलेक्ट करके एक एक करके इस प्रेस करके स्मूथ कर लेंगे। मतलब ये जो नोट्स है, नोट्स कोई जगह पे एंगल ना बन पाए, ऐसे करके आपको ड्राइंग करना है। तो मैं पहले ड्राइंग कर लेता हूँ। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि नोट्स थोड़ा कम लेके ड्राइंग करने के लिए। ज़्यादा नोट्स लेके अगर ड्राइंग करेंगे तो डिजाइन में एक दाग आ जाएगा, क्योंकि उसमें एंगल शेप आने के वजह से वो क्रॉस सेक्शन में थोड़ा एरो दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करिएगा कि जो लाइन बनाएंगे उसमें थोड़ा स्मूथनेस अच्छा हो, नोट्स थोड़ा कम हो। तो एक एक करके सिलेक्ट करके इसको एस प्रेस करके देना है। तो इधर भी ऐसे सिलेक्ट करके हम इसको एस प्रेस कर देंगे, तो ये स्मूथ हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये इस तरह का क्रॉस सेक्शन आप ड्रॉ करके कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक लाइन लेने से सुविधा होगा, ऐसे लाइन ले लीजिए, फिर इस तरह का क्रॉस सेक्शन दे दीजिए। ये वाला क्रॉस सेक्शन से भी बना सकते हैं, और दूसरा जो मैंने इमेज दिखाया था इस तरह का भी क्रॉस सेक्शन से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन में आपको करना क्या होगा, इसको एस प्रेस करके एक साइड को आप थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए और एक साइड थोड़ा कोना बना दीजिए, मतलब ये ऐसा कर दीजिए।
इस तरह का, ठीक है। इसमें हाइट आप कितना देना चाहते हैं उसके ऊपर आप स्टार्ट हाइट ड्रॉ करेंगे। सपोज आप इसको 15 mm में बनाना चाहते हैं तो इसको 15 mm का हाइट दे दीजिएगा, फिर इधर आर प्रेस करके डिलीट। तो मैं दोनों क्रॉस सेक्शन यूज करके दोनों अलग अलग 3D बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं, ये वाला भी ऐसे ऊपर रख देते हैं, इधर रख देते हैं। फिर देखिए इसको सिलेक्ट, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये वाला सिलेक्ट, इधर टू रेल स्वीप लेंगे, फिर ये वाला क्रॉस सेक्शन लेके एड क्रॉस सेक्शन, और ये जो स्टार्ट हाइट है इधर खाली ऐसे क्लिक करना है, फिर हाइट सिलेक्ट करके कैलकुलेट। तो देखिए इधर ये बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला लाइन सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके ये वाला लाइन सिलेक्ट कैलकुलेट। खाली एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों का जो एरो शेप है वो एक ही दिशा में रहे, और इधर हाई सिलेक्शन करके इसको करना है, फिर इधर सिलेक्ट ये वाला सिलेक्ट कैलकुलेट। फिर इसके बाद ये वाला सिलेक्ट और ये वाला सिलेक्ट कैलकुलेट। इसके बाद इसको सिलेक्ट और शिफ्ट प्रेस करके दूसरा कैलकुलेट। एकदम इजी तरीका है, खाली आपको कैसे भी करके लाइन को ड्रॉ करना है, और लाइन ड्राइंग होने के बाद खाली इस तरह से आपको 3D में कन्वर्ट कर देना है। तो ये टू रेल स्वीप यूज करके ही आपको करना है। अभी ये वाला लाइन सिलेक्ट और ये वाला सिलेक्ट, फिर कैलकुलेट। इसके बाद लास्ट का दो लाइन को सिलेक्ट करना है, तो ये वाला और लास्ट का ये वाला सिलेक्ट, फिर कैलकुलेट। और ये पूरा हो जाने के बाद हमें ये काम करना है, इसको थोड़ा स्मूथनेस देना है, मतलब ये जो रिलीफ है इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये देने के बाद इधर जाके हम होल लेयर में 10% इसको स्मूथ कर देंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, रिजोल्यूशन थोड़ा कम लग के अगर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं रिजोल्यूशन को थोड़ा हाई रखता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बस ये हो गया, तो देख लीजिए ये वाला डिजाइन बन गया। अभी दूसरा बनाना है, तो ये लेयर को बंद करके दूसरा एक नया लेयर ले रहा हूँ। अभी दूसरा वाला जो क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला यूज करके हम वो डिजाइन को बनाएंगे, और कैसे दिखेगा दिखाता हूँ। देखिए ये क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और इधर स्टार्ट हाइट को लेके ऐसे रख देंगे। फिर देखिए सेम प्रोसेस, हाइट सिलेक्शन रख के कैलकुलेट, इधर भी ये वाला सिलेक्ट रख के ऐसे कैलकुलेट। तो एक एक करके खाली दोनों लाइन सिलेक्ट करना है और क्रॉस सेक्शन देना है। ऐसे सिलेक्ट करके खाली कैलकुलेट कर देना है। इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट कैलकुलेट। एकदम सिंपल प्रोसेस है, खाली आपको ध्यान देके ड्राइंग करके फिर काम करना है। अभी लास्ट वाला रह गया है, तो इधर लास्ट वाला दोनों लाइन को भी इस तरह तरीके से हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये जगह पे जाके सिलेक्ट और कैलकुलेट।
और ये जब बन जाए तो इसको भी सेम थोड़ा सा स्मूथ कर देना है। देखिए ये बन गया है, तो इसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इधर से, वो 10% होल लेयर में। बस देख लीजिए एकदम इजी तरीके से दोनों डिजाइन बन गए। तो ड्राइंग थोड़ा ठीक से करने से ही हो जाता है। देखिए ये वाला और इधर देखिए ये वाला। तो आप इस तरीके को यूज करके ये डिजाइन बना पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स।